अब तक बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनसे जुड़े लोग योगी सरकार के निशाने पर थे। योगी सरकार ऐलानिया ढंग से मुख्तार अंसारी के कथित नेटवर्क को तोड़ रही थी, लेकिन अब कार्रवाई की जांच बाहुबली विधायक के घर तक पहुंचती नजर आ रही है। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके दो सालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और उनके दो भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस एक एक्शन से अब यह अंदाजा हो गया है कि मुख्तार अंसारी का परिवार भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का शिकार हो सकता है। मुख्तार अंसारी के दोनों सालों का नाम सरजील रजा और अनवर शहजाद बताया जा रहा है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने मुख्तार की पत्नी और सालों पर संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में काम करने का आरोप बताया है। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली के छावनी स्थित एक कुर्कशुदा जमीन पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा थाना कोतवाली की भी एक कुर्कशुदा जमीन पर कब्जे का आरोप है। वही मुख्तार के दोनों सालों पर सरकारी ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अभियोग कायम हुआ है। इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है और विवेचना आरोप पत्र भी भेज दिया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ यह एक्शन थाना सैदपुर में दर्ज एक आपराधिक प्रकरण के संबंध में लिया गया है। गाजीपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आफसा अंसारी पर सरकारी धन के गबन व अमानत में खयानत के आपराधिक कृत्य के संबंध में थाना सैदपुर में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी से जुड़े कई कद्दावर लोगों की करोड़ों की संपत्तियां या तो ढहा दी गई या फिर उनके अवैध कब्जे को नष्ट नाबूद कर दिया गया है। ये कार्रवाइयां मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर और लखनऊ जैसी अलग अलग जगहों पर हुई हैं। अब मुख्तार अंसारी के परिजनों से जुड़ी केस डायरियां भी पुलिस ने खोलनी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के अब जिले में चर्चा का विषय ये है कि अगला नंबर किसका होगा। ये वर्ष 2019 के जो अभियोग थे उनमें आरोप पत्र लगाया गया था, जिसमें इनकी पत्नी और सालों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें अवैध तरीके से इलीगल ट्रेसपास और धन अर्जित करने के मामले थे। उन कृत्यों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गैंगस्टर एक्ट के तहत इन लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उनके पत्नी के साथ बताने कितने? उनके पत्नी और उनके दो साले। हमारी ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।